हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो पहली है हिया टेलर। कहते हैं कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र बांधा नहीं बनती। ऐसा ही कारनामा इस छोटी उम्र में चित्तौड़गढ़ की एक बालिका ने कर दिखाया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की 11 वर्षीय हिया टेलर ने अमेरिका के हवाई द्वीप के प्रशांत महासागर में 40 फीट गहराई में डाइविंग कर पानी की गहराई में समुद्र तल के निकट करीब एक घंटा बिताकर साहस दिखाया और इस दौरान उन्होंने समुद्री जीवों का अध्ययन किया तथा ऑक्सीजन के साथ करीब 30 किलो वजन का सूट भी पहन रखा था, जो कि डाइविंग में सहायक होता है। वर्तमान में हिया टेलर अमेरिका में रहती हैं। भवानी शर्मा। राजस्थान के नागौर जिले में मेड़ता के रहने वाले 23 साल के युवा भवानी शर्मा ने योग के जरिए दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। भवानी शर्मा ने योगा के चक्रासन मूव यानी व्हील पोज को 18 मिनट 34 सेकंड तक होल्ड कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना विश्व रिकॉर्ड के लिए भी दावा कर दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब जल्द ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व चैंपियन के तौर पे दर्ज हो जाएगा। इनसे पहले ये रिकॉर्ड मदुरई के युवा के नाम था, जिन्होंने 12 मिनट 5 सेकंड तक चक्रासन मूव को होल्ड किया था। तो भवानी वर्तमान में योगा ट्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं और दुनिया भर में तकरीबन 200 लोगों की ऑनलाइन क्लास लेकर उन्हें योगा सिखा रहे हैं। उनसे योग सीखने वालों में गुजरात हाई कोर्ट के जज निखिल करेल सहित कई विदेशी भी शामिल हैं। भवानी शर्मा योगा के साथ साथ मार्शल आर्ट कराटे में भी चैंपियन हैं। उन्हें वर्ष 2019 में मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। बच्चन सिंह। तो सेंट स्टीफन्स स्कूल के चित्रकला के शिक्षक बच्चन सिंह चौहान की चित्रकला को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, क्योंकि ये चावल के दानों पर बिना लेंस लगाए चित्रकारी करते हैं। बच्चन सिंह 8 साल की उम्र से ही ये कलाकारी करते आ रहे हैं और चावल के दानों पर 100 हाथी, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का प्रसिद्ध गीत परदेसी परदेसी और 1100 बार एक मार्वल इंडस्ट्री का नाम लिखा चावल का दाना इनके कलेक्शन में है। बच्चन सिंह ने चावल के दाने पर राष्ट्रीय गान जनगणमन लिखकर और वह गांधी, नेहरू, सुभाष के चित्र उकेर कर सबको चौंका दिया था। इन्होंने वर्ष 1986 में मदर टेरेसा के चित्र को चावल पर बनाया था। इन्हें चावल के दानों पर गीतों, देवताओं की आकृतियों को उकेरने पर ट्रायम्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है। सारा छीपा। दुबई की रहने वाली 10 साल की सारा छीपा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड है दुनिया के 195 देश, कैपिटल और करेंसी को 15 मिनट में याद रखने का रिकॉर्ड। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह केवल देश और कैपिटल को याद रखने का था, लेकिन सारा ने इसमें करेंसी जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सारा का परिवार राजस्थान के भीलवाड़ा से ताल्लुक़ रखता है, हालांकि वह पिछले 9 साल से दुबई में रह रही है। ब्रेन राइम कॉग्निटिव सॉल्यूशंस के संस्थापक सुशांत मैसूरकर के साथ उनकी यात्रा 3 साल पहले शुरू हुई थी। विभिन्न यादगार तकनीकों के साथ जो रचनात्मक थी, उसकी वजह से सारा की स्किल में और इजाफा ही हुआ। अपने गुरु के निर्देशन में लॉकडाउन के दौरान उन पर काम किया तथा इस श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पहली लड़की बनी। सोनू खां। बीकानेर निवासी 21 वर्षीय कलाकार सोनू खां एमए की पढ़ाई कर रही मुस्लिम समुदाय की है बेटी महज 5 मिनट में किसी भी सिर पर बीकानेरी, गंगाशाही व जोधपुरी साफा या पगड़ी बांध देती है। ऐसा करने वाली वह प्रथम मुस्लिम महिला है। सोनू खां ने बीकानेर के कई गणमान्य लोगों के सिर पर साफा बांधकर यह संदेश दिया है कि यह काम पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कर सकती हैं और इनके साफा बांधने की जो सारी स्टाइल्स हैं वो पुरुषों की जैसी हैं। तो अब ये
विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए काम कर रही हैं। और कुछ याद रखने वाली बातें हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड है वो पवन व्यास के नाम दर्ज है। इन्होंने एक घंटे में 205 साफा बांधकर नया रिकॉर्ड बनाया। पवन का ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हो रहा है। और इससे पहले पवन व्यास ने बीकानेर के धरणीधर मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। 1570 फीट लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज है और इसको बांधने में करीब आधा घंटा लगा था और ये 55 पगड़ी का कपड़ा मिला के बांधा गया था। रामेश्वर लाल गर्ग चित्तौड़गढ़ के रहने वाले 70 वर्षीय रामेश्वर लाल गर्ग चित्तौड़गढ़ के पुराने और एकमात्र कठपुतली कलाकार हैं। इन्होंने कई सालों तक कठपुतलियों की मदद से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, शौर्य गाथा की एंटरटेनमेंट करने का काम किया। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो सरकार सोशल मैसेज लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रशासन ने भी अब इस कला से मुँह मोड़ लिया। तो चित्तौड़गढ़ में जो एकमात्र कठपुतली कलाकार हैं रामेश्वर लाल गर्ग ने इस कला को छोड़ने की बात कही है और कहा है कि मेरे मरने से पहले यह कला कोई सीखना चाहे तो सीख ले जिससे यह कला जीवित रह सके। कठपुतली कला बस्सी और चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। मोनिका कुमावत 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाली राजस्थान की महिला मोनिका कुमावत है। करीब 6 सेकंड में सूर्य नमस्कार का एवरेज टाइम और केवल एक बार नहीं बल्कि 108 बार वो भी 10 मिनट 58 सेकंड में करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। राजस्थान की इस बेटी ने अपने अटल इरादों से बता दिया है कि इंसान ठान ले तो कोई भी काम कठिन नहीं है। किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली कृष्णम योगा स्थली की फाउंडर योगा शिक्षिका मोनिका कुमावत ने यह उपलब्धि हासिल कर शहर व देश का नाम रोशन किया है। इस पर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने कुमावत को प्रमाण पत्र भी जारी किया है। जादूगर सुहानी शाह यह देश की प्रथम महिला जादूगर हैं जो साइकोलॉजी की ट्रिक से माइंड को पढ़ती हैं। इनका संबंध उदयपुर से है और यह लड़की व्यक्ति के दिमाग को पढ़कर सिर्फ सेकंडों में बता देती है कि उसके एटीएम और फ़ोन का पासवर्ड या उसका नाम या उसकी सभी जानकारी। दुनिया भर में 5000 से भी अधिक शो करने वाली जादूगर महिला हैं जिसमें प्रथम स्टेज शो 22 अक्टूबर 1997 को अहमदाबाद गुजरात में किया था। सुहानी जादूगर होने के साथ साथ सम्मोहन चिकित्सक और लेखक भी हैं। एक लेखक के रूप में उन्होंने कई किताबें प्रकाशित की हैं जिसमें अनलीश योर हिडन पावर्स, योर हॉस्पिटल बैग और विजिटेड बाय द म्यूज अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स जैसी किताबें शामिल हैं। इन्होंने मन को नियंत्रित करने वाली कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जिससे शराब और नशीली दवाओं आदि के लत से पीड़ित व्यक्तियों को काफ़ी मदद मिली। सुहानी ने लोगों को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रदान करने के लिए गोवा में सुहानी माइंड केयर नाम से एक क्लिनिक भी खोला है। इन्हें कई टेड टॉक्स में भी आमंत्रित किया गया है और कई प्रसिद्ध लोग जैसे कि अभिनेता अनुपम खेर, क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट आदि के लिए भी इन्होंने प्रदर्शन किया है। रेखा बोराणा राजस्थान उच्च न्यायालय में पहली बार वकील कोटे से महिला न्यायाधीश रेखा बोराणा को बनाया गया है। इनका संबंध जोधपुर से है। तो जोधपुर निवासी रेखा बोराणा जोधपुर मुख्य पीठ में AAG पद पर कार्यरत थी, यानी कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत थी, सहायक महाधिवक्ता, और ये वकील कोटे से राजस्थान हाई कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले न्यायिक अधिकारी कोटे से यानी मजिस्ट्रेट कोटे से महिला न्यायाधीश बनी है, लेकिन अधिवक्ता कोटे से पहली महिला न्यायाधीश रेखा बोराणा हैं। AAG की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, यानी कि सहायक महाधिवक्ता। और कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अहमद कुरैशी और सबसे पहले न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। और
जब भी कोर्ट यानी न्यायालय की बात होती है तो कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट, जज, एडवोकेट, लॉयर, तो इनमें हम अंतर जान लेते हैं। तो सबसे पहले है मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर होता है। एक मजिस्ट्रेट एक राज्य का एक न्यायिक अधिकारी यानी जुडिशियल ऑफिसर या एक सिविल अधिकारी होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि शहर, जिले आदि में छोटे मामलों को देखता है। जबकि एक जज यानी कि न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी होता है, जो अदालती कार्यवाही का प्रशासन करता है और कानूनी मामलों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय देता है। मजिस्ट्रेट एक न्यायाधीश की तरह कानूनी मामलों को संभालता है, लेकिन न्यायाधीश के रूप में उतनी शक्ति नहीं रखता। मजिस्ट्रेट फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते। लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है। लॉयर वो शख्स होता है जिसने LLB यानी कानून की पढ़ाई की हो। किसी भी लॉयर का काम किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइस देना हो सकता है, लेकिन वो किसी के बिहाफ पर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। अगर एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट लॉयर से अलग वर्जन का कह सकते हैं। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून की पढ़ाई करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर कोर्ट में अपनी दलील देते हैं, जिसे हम कोई केस में कोई वकील करते हैं जो कोर्ट में हमारे लिए केस लड़ता है, उसे एडवोकेट कहा जाता है। ऐसे में हर लॉयर एडवोकेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एडवोकेट लॉयर होता है। तो राजस्थान के पहले एडवोकेट जनरल थे GC कासलीवाल, और वर्तमान में एडवोकेट जनरल हैं राजस्थान के, वो हैं MS सिंघवी यानी महेंद्र सिंह सिंघवी। रूमा देवी, तो रूमा देवी राजस्थान के बाड़मेर के रावतसर से हैं और एक समाज सेविका और भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर हैं। रूमा देवी को भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया तथा वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा रूमा देवी फाउंडेशन का संचालन भी किया जाता है। ये 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी हैं और इनका जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। इन्होंने संघर्षों की बदौलत ही इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाई हैं। मात्र 17 साल की उम्र में शादी हो जाना और अपनी पहली संतान को इलाज न होने की वजह से खो देने जैसी संघर्षों ने इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अपने आसपास के गांवों में रहने वाले हजारों महिलाओं के समूह के साथ काम किया और अपने कशीदाकारी के काम को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने 75 गांवों की 22,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया और इन्होंने 20 सितंबर 2019 को कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी मंच साझा किया है। इनको 17वें अखिल भारतीय सम्मेलन 15-16 फरवरी 2020 को पैनलिस्ट के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आमंत्रित किया गया और इन्होंने वर्ष 2019 में TFI डिज़ाइनर का खिताब भी जीता था। श्रीलंका सरकार द्वारा इन्हें शिल्पा अभिमन्यु पुरस्कार हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया और नीदरलैंड द्वारा इनको वर्ष 2016 में महिलाओं का सम्मान प्रदान किया गया। 16 नवंबर 2021 को दुबई में प्रवासी राजस्थानियों के संगठन फाउंडेशन व मारवाड़ी युवा मंच की ओर से इनको द महाराणा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।